माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हमने आपको पढ़ाया था किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा में हमने क्लासिफिकेशन तक आपको बताया था। अब क्लासिफिकेशन में हमने आपको बैक्टीरिया के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। बैक्टीरिया में आपको जनरल करेक्टर भी बता दिए थे, तो आज हम चलते हैं थोड़ा बैक्टीरिया के डीप स्टडी में आ जाते हैं बैक्टीरिया। और पहले ये जानिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। हमें बैक्टीरिया की हैबिट एंड हैबिटेट, शेप ऑफ बैक्टीरिया और मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। मोटिलिटी का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट, कैसे ये मूव करते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अपना टॉपिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं हैबिट एंड हैबिटेट पर। हैबिट एंड हैबिटेट जिसका मतलब होता है कि बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या हैबिट है, क्या खाना खाते हैं, कैसे अपनी पूरी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और कैसे रहकर ये अपनी संख्या में डेवलपमेंट करते हैं, अर्थात कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जनरल चीज़ें इसी में आ जाते हैं हैबिट एंड हैबिटेट में। पहले ही जाने हैबिट एंड हैबिटेट में ये जाने कि बैक्टीरिया वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये पानी में, यहाँ तक कि हॉट वाटर में भी, हॉट वाटर मीन्स जो अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, 80 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। और प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कहानी हो सकती है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस में रहकर ये सर्वाइव करते हैं तो फिर इनकी उपस्थिति को हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि बैक्टीरिया ना पाए जाए। ऑल्दो बैक्टीरिया आर यूजफुल टू एंड हार्मफुल बोथ, बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ। हम पढ़ेंगे आगे चल के कि बैक्टीरिया से हमें लाभ भी हैं, यानी बेनिफिट्स भी हैं, और हमें काफ़ी लॉस भी है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपने जानी अभी कि बैक्टीरिया वर्ल्ड वाइड है, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं आसानी से बिना किसी दिक्कत के, 80 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी ये बिना किसी नुकसान के आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज, सब कुछ खाते हैं, ये पैरासाइटिक भी होते हैं नेचर में, अर्थात दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर से फूड मटेरियल को भी गेन कर सकते हैं और डेड मटेरियल से भी अपना फूड मटेरियल ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ रहते हुए बड़ी आसानी से ग्रो करके अपनी संख्या में मल्टीपल ग्रोथ करते हैं, अर्थात बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अब ये कैसे होते हैं इसके बारे में भी हम जानें थोड़ा। इसके लिए हमें आना पड़ेगा शेप ऑफ बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का शेप क्या होता है। बैक्टीरिया एकदम पॉइंट जैसे समझ लीजिए। अब वैसे तो इनकी जो शेप होती है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर में भी होती है, रॉड शेप में भी होती है, स्पाइरल शेप में भी होती है, और कॉमा के शेप में भी होती है। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग शेप के होते हैं, इसीलिए हमने बैक्टीरिया की शेप जानने के लिए हमने इनको चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो ये बैक्टीरिया का शेप लिया है, पहला स्फेरिकल शेप, सर्कुलर शेप, इसे हम सर्कुलर शेप भी बोल सकते हैं या राउंड शेप भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राउंड शेप, राउंड मतलब गोलाकार, यानी राउंड शेप में भी होते हैं। दूसरी चीज रॉड शेप में भी होते हैं, तीसरी चीज कॉमा के शेप में भी होते हैं, और फिर स्पाइरल फॉर्म में भी होते हैं। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं
राउंड शेप वाले बैक्टीरिया की कि ये होते कैसे हैं। राउंड शेप वाले बैक्टीरिया को हम इजी स्टडी के लिए हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं। पहले तो माइक्रोकोकाई यानी माइक्रोकोकस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर सिंपली इन सिंगल राउंड स्ट्रक्चर, माइक्रोकोकस टाइप के, और इन सबको जो शेप में सर्कुलर होते हैं उनको हम माइक्रोकोकाई के अंतर्गत रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब ये सिंगल होता है, नॉट डबल, नेवर डबल, ये केवल क्या होते हैं सिंगल राउंड स्ट्रक्चर में होते हैं, बस यूं कहिए यूं, ठीक। ये हो गए माइक्रोकोकाई। अब डिप्लोकोकाई की जब हम बात करते हैं तो डिप्लोकोकाई जब होंगे तो ये डबल होंगे और सर्कुलर ही होंगे, ये डिप्लोकोकाई होंगे। डिप्लो मीन्स दो, कोकाई में सर्कुलर स्ट्रक्चर, तो दो कोकाई यानी डबल स्ट्रक्चर में होंगे, डबल राउंड शेप स्ट्रक्चर, और इनको हम रखते हैं डिप्लो कोकाई। क्लियर हुआ। तीसरी चीज टेट्रॉड, टेट्रॉड में ये चार चार के पैकेट में होते हैं, चार चार के पैकेट। क्लियर, यानी चार चार जब सर्कुलर स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हो तो हम इनको बोलते हैं टेट्रॉड स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, जब चार चार के पैकेट में टेट्रॉड, और इसके बाद आ जाइए सरसिनी, और जो सरसिनी होते हैं सरसिनी, इसमें देखिए ये समझ में आया इतना, ये क्या है माइक्रोकोकाई, ये क्या है डिप्लोकोकाई, ये क्या है टेट्रॉड, हम इसको रिमूव करना है, ठीक। सरसिनी वाला जाएंगे, सरसिनी वाले में ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है लेकिन इनकी नंबर्स कितनी होती हैं 8 to 64, 8 to 64, 8 से 64 तक की संख्या इनमें होती है, इसमें सरसिनी। कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी आ रहा होगा। माइक्रोकोकाई सिंगल, डिप्लोकोकाई डबल, टेट्रा चार की संख्या में, सरसिनी 8 to 64 इन कंपोजिशन या इन अमाउंट नंबर। कोई दिक्कत। इसके बाद स्टेफाइलो, स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई न्यूमेरस नंबर, ढेर सारी संख्या इनकी होती है 8 से 64, तो इसमें थी सरसिनों में, अब इसमें इनकी संख्या अनकाउंटेबल, ढेर सारी संख्या यानी मोर देन 64, ये 128 और 256 या मोर देन दिस नंबर, इनसे भी ज्यादा इनकी संख्या होती है। क्लियर हुआ स्टेफाइलोकोकाई में। उसके बाद एक चीज आपका और बचा है स्ट्रेप्टोकोकाई, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे तो उसको भी जान लें। स्ट्रेप्टोकोकाई वो एक सर्कुलर ही होते हैं लेकिन एक चेन में होते हैं, इसमें है चेन सर्कुलर स्ट्रक्चर, बट दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए चेन, एक जंजीर, एक चेन के रूप में ये होते हैं। क्लियर। तो ये हुआ हमारी स्फेरिकल टाइप ऑफ बैक्टीरिया शेप के बारे में जानकारी। अब हम दूसरे में आए रॉड शेप में। रॉड शेप में क्या होता है, रॉड शेप, रॉड माने एक डंडा, छल के जैसे, छल के रूप में जब होते हैं तो इनको हम बोलते हैं रॉड शेप, यानी इसमें भी देखिए मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। मोनोबैसिलस में क्या है सिंगल रॉड स्ट्रक्चर, सिंगल रॉड स्ट्रक्चर, बल्कि इसको हम ऐसे बनाएं तो ज्यादा सिंगल। मोनोबैसिलस व्हेन सिंगल रॉड शेप स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया शेप देन दीज आर कॉल्ड एज मोनोबैसिलस। अब अगर इनकी संख्या डबल हो जाती है, ये आ गया डबल, तो ये हो जाएंगे डिप्लोबैसिलस। क्लियर। दिस मीन्स वेन टू रॉड शेप स्ट्रक्चर आर अटैच टू ईच अदर
and form a big rod structure, then it is called as diplococci, diplovacillus condition. Diplovacillus, कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग आ जाएं स्ट्रेप्टोवैसिलस में. When they are large number and they are in chain form, then these are called as streptobacillus. हमने इसके पहले स्ट्रेप्टोकोकाई में आपको बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या होता था, सर्कुलर स्ट्रक्चर, बट दे आर इन चेन फॉर्म. अब स्ट्रेप्टोबैसिलस में ये रॉड शेप स्ट्रक्चर एंड दे आर इन ए चेन फॉर्म. कोकाई मींस राउंड स्ट्रक्चर और वैसिलस मींस रॉड शेप स्ट्रक्चर. कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि मोनोवैसिलस मींस व्हेन सिंगल rod shaped structure is present in bacterial cell, then they are called as monovacillus, and when two rod shaped structure are attached to each other, then they are called as diplovacillus, and when more than two or more than 3, 4, 5 rod shaped structure are attached to each other and form a long chain, then it is called as स्ट्रेप्टोवैसिलस. कोई दिक्कत नहीं. इसके बाद हम आ जाए कॉमा शेप स्ट्रक्चर पे. कॉमा शेप स्ट्रक्चर, ये कॉमा शेप स्ट्रक्चर जो है ये एक स्पेशल टाइप का ए यू होता है. ये ऐसे तो कॉमा बनाते हैं आप, इस शेप में जो बैक्टीरिया हो तो उन्हें हम बोलते हैं कॉमा शेप स्ट्रक्चर. हम आपको ये बता दें विप्रियो कॉलेरी जो कॉलरा फैलाता है, फैजा कॉलरा जानते हैं, इसमें बॉन्डिंग होती है एक और लूज मोशन बढ़ जाता है तब उसे हम कहते हैं कॉलरा. और ये होता किसे? विप्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से. और विप्रियो कॉलेरी का शेप कॉमा शेप ही होता है. कोई दिक्कत? तो ये कॉमा शेप में भी होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में. अगर हम स्पाइरल की बात करें तो स्पाइरल इस टाइप के भी बैक्टीरिया होते हैं. तो जब स्पाइरल फॉर्म में हो या इस तरह से हो, थोड़ा सा देखिए ठीक, तो ये हो जाएंगे स्पाइरल फॉर्म. ये बात समझ में आ गई बैक्टीरिया के शेप के बारे में. मैंने आपको कुल बताया चार टाइप के, स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप एंड स्पाइरल फॉर्म. क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं. अब हम आपको आगे ले चलते हैं और उसमें बताएंगे मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया. मोटिलिटी का मतलब क्या हुआ? मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट. ये हटा. अब हम आपको ले चले मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया. मोटिलिटी का मतलब ये हो मूवमेंट. हम आप तो हमारे आपके पास पैर हैं और हम आप चल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जा सकते हैं. बट हाउ बैक्टीरिया मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हाउ बैक्टीरिया मोटाइल, बैक्टीरिया में मोटिलिटी कैसे होती है, इसके बारे में जानकारी हम अब हम करेंगे. तो मोटिलिटी मीन्स लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स चलना फिरना, इसके बारे में जान लीजिए. मोटिलिटी जो होती है बैक्टीरिया में थ्रू फ्लैजिला और थ्रू ए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में जो लोकोमोशन होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा होता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर लगा. क्लियर हुआ? तो अब मोटिलिटी के बेस पे अगर हम जाएं
तो कितने प्रकार की मोर्टेलिटी हो सकती है इसको भी आप जान लीजिए। सबसे पहले मोर्टेलिटी के बारे में हम आपको ये बताएं, कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर सिंगल एक साइड में केवल एक फ्लैजिला होता है, क्लियर। और जब एक साइड में एक फ्लैजिला होता है तो ये इसी फ्लैजिला की मूवमेंट से लोकोमोट करते हैं, चलते फिरते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एक साइड पर ये फ्लैजिला जो होते हैं एक गुच्छे में होते हैं, क्लियर। और कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरिया के एक नहीं दोनों साइड पर ये फ्लैजिला होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर, कि समटाइम ओनली वन साइड ऑफ बैक्टीरिया बॉडी फ्लैजिलम स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस फ्लैजिलर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया कैपेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट समटाइम दीज बैक्टीरिया हैव ए बंच ऑफ फ्लैजिला ऑन वन साइड, देन दे मूवमेंट ऑफ ए कंबाइंड फ्लैजिला बैक्टीरिया कैन मूव, एंड समटाइम दे हैव बोथ साइड सिंगल बैक्टीरिया सिंगल फ्लैजिला, अदरवाइज दे हैव मोर देन वन फ्लैजिला ऑन बोथ साइड, बट बोथ एंड आर अटैच विद द फ्लैजिला, देन द मूवमेंट ऑफ दीज फ्लैजिला बैक्टीरिया से कैन बी मूव। बट समटाइम ये इसके पूरी की पूरी बॉडी पर फ्लैजिला होते हैं, और तब इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से पूरी की पूरी बॉडी पे इनको हम बोलते हैं पेरिट्राइकस। क्या बोलते हैं, पेरिट्राइकस। एक मिनट थोड़ा सा और अच्छा बना दो, ये बना। अब इसको हम बोलेंगे पेरिट्राइकस, और इसको हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। और इसे हम बोल देंगे मोनोट्राइकस। और इसको हम क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस। ध्यान दीजिए, समटाइम एट द वन एंड ऑफ बैक्टीरिया सेल सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट, देन इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस, एंड विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस फ्लैजिला बैक्टीरिया कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर, मोनोट्राइकस क्लियर। नाउ वी विल कम ऑन द पॉइंट ऑफ लोफोट्राइकस, व्हेन ऑन वन एंड ऑफ बैक्टीरिया सेल ए बंच ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट, एंड विद द एक्टिविटी ऑफ दिस बंच ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन कंडीशन इज लोफोट्राइकस। एंड व्हेन ऑन द बैक्टीरिया बोथ एंड हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला मे बी वन आर मोर देन वन, but they are always present only the both end, then these are called as amphitrichus, and with the activity of these flagella like structure bacteria can move from one place to another place, then these are called as amphitrichus. And when on the whole body flagella structure are present, and due to the activity of these flagella structure bacteria move, then these are called as पेरिट्राइकस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल मिलाकर के हमने आपको बता दिया कि हैबिट एंड हैबिटेट क्या होती है, शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, कैसे होते हैं, और कैसे बैक्टीरिया मूव करते हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब हम आपको आज इतना ही, नेक्स्ट डे बैक्टीरिया से संबंधित और जानकारी देंगे, और
इसका नोट्स अवश्य बनाएंगे वीडियो को देखते हुए, जहाँ आपको लगे कि स्पीड तेज है, हालांकि हम खुद ही धीमे धीमे चलते हैं और कम से कम मटेरियल आपको देते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स ज़रूर बना लिया करें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं जिससे बनने वाला हर वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे, और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज तक इतना ही, थैंक यू।